जबलपुर का यहां पर एक बार फिर से शराब दुकान का विरोध देखने को मिला है। तो लगातार जबलपुर से शराब दुकान के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुस्साई महिलाओं ने अब दुकान में तोड़फोड़ की है। तो लगातार महिलाओं का ये गुस्सा जबलपुर में शराब दुकान को लेकर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस महिलाओं को समझाने में जुटी है। तकरीबन 4-5 दिन से ऐसी ही तस्वीरें जबलपुर से सामने आ रही हैं। तो बीते दिनों भी हमने देखा था किस तरह से पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर वहां से महिलाओं को हटाया था, और अब देखिए आज की तस्वीरें, महिलाएं वहां पर डंडे लेके पहुंची और शराब दुकान के शटर पर देखिए पत्थर फेंके हैं, डंडे मारे हैं और इस तरह से अपना विरोध महिलाओं ने जताया है। पुलिस की टीम भी वहां पर समझाइश देने के लिए पहुंची, क्योंकि भले ही विरोध करने का ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, विरोध ज़रूर ये महिलाएं कर सकती हैं, जो कि इन्होंने बीते दिनों भी किया था। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर यहां से महिलाओं को हटाया था। इसके बाद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी मौके पर पहुंचे थे और आंदोलन की चेतावनी दी थी। और ये आज की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं यहां पर शटर पर पत्थर चला रही हैं, डंडे लेकर पहुंची हैं और विरोध कर रही हैं। राजेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेश, कमोबेश हर दिन वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन यही कहेंगे इंडिया न्यूज लगातार महिलाओं की इस खबर को तो दिखा रहा है, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रशासन किसी प्रकार से इनकी यानी कि शराब दुकान को बंद करवाए। बहरहाल महिलाओं का प्रदर्शन अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हर जगह से कहीं ना कहीं प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार चेरीताल में शराब दुकान का विरोध हुआ। कल भारी पुलिस फोर्स और पुलिस के दबाव के चलते कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रदर्शन खत्म करवाया था पुलिस ने, और 3-4 दिन का वक्त उन्हें दिया था। अभी प्रदर्शन पूरा खत्म नहीं हो पाया था, लेकिन रांची जो मोहनिया है वहां पर एक शराब दुकान जो है वो खोली गई है, जिसको लेकर जो क्षेत्रीय महिलाएं हैं उन्होंने आज जमकर प्रदर्शन जो है वो किया है। लाठी डंडे और पत्थर लेकर वो उतरी थी और दुकान में कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की। जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे शटर की उसको तोड़ा, क्योंकि क्षेत्रीय महिलाओं का कहना था कि पिछले राजेश, लेकिन ये महिलाएं लगातार प्रदर्शन तो कर रही है, पर पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? क्या पुलिस प्रशासन इसी तरह से महिलाओं के पास बस पहुंचेगा, खाना पूर्ति करेगा, अगले दिन के प्रदर्शन का फिर इंतजार करेगा? बिल्कुल, देखिए पुलिस का कहना है कि जो महिलाओं की मांग है, चाहे शराब दुकान बंद करवाने की मांग हो चाहे स्थानांतरित करवाने की मांग हो, वो मांग उन्हें प्रशासन से करनी चाहिए, प्रशासन तक उनकी बातों को पहुंचाया जाएगा। और चूंकि नए टेंडर में ये दुकान जहां अलॉट हुई है वहां खोलना जो ठेकेदार है वहां खोली जाएंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो विरोध है वो क्षेत्रीय विधायकों का भी देखने को मिल रहा है, जिससे राजीव मोहनिया में जो शराब दुकान में पत्थरबाजी हुई, महिलाओं ने तोड़फोड़ की, उनके समर्थन में खुद बीजेपी विधायक वहां पर उतरे। कैंट के विधायक हैं अशोक रोहानी, जिन्होंने खुद तालाबंदी की है और दो दिन का अल्टीमेटम कहीं ना कहीं जो है शराब दुकान संचालक को दिया है कि दो दिन। राजेश, तकरीबन कितने दिन हो चुके हैं महिलाओं को इस तरह से प्रदर्शन करते हुए? जी बिल्कुल, देखिए 1 अप्रैल से लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर। चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 1 अप्रैल से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है।